नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ट्रक स्पार्क में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ है अशोक लीलैंड का चेसिस, बस चेसिस है जो कि 11 मीटर के अंदर आता है। उसका आज अपन कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों, फ्रंट की साइड से ये जो गाड़ी आती है कावल मॉडल के अंदर आती है, जिसके अंदर आपको फ्रंट के साइड में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बस साइड में आपको जो हेडलैम्प मिल जाते हैं, हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प है, साइड इंडिकेटर मिल जाता है और फ्रंट का जो लुक है कुछ इस तरह से आपको नजर आने वाला। नीचे की साइड देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको टोइंग हुक वगैरह यहाँ पे आपको अंदर दिया जाता है और कंप्लीट यहाँ पे आपको जो स्टेयरिंग व्हील कंटेनर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको ड्राइवर के लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको जो सीटिंग व्यवस्था बनाई जाती है, जो कि ताकि ड्राइवर अच्छे से गाड़ी को डिस्पैच कर सके और डिलीवर कर सके। आगे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको जो एयर फिल्टर की असेंबली वो मिल जाती है और यहाँ से आपका एयर का इंटेक रहने वाला है। इसके जस्ट पीछे की साइड आते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ईट्स की जो असेंबली है कंप्लीट यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड के नीचे की साइड इसको रखा गया है, जिसको कॉम्पैक्ट टाइप की आपको ईट्स की असेंबली है और यहाँ पे आपका जो टेल पाइप है वो यहाँ पे आपको सुंदर रखा गया है और यहाँ पे आपका जो एयर फिल्टर की असेंबली मिलने वाली है। इसके जस्ट पीछे की साइड आते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 295 इसमें आपको 10R20 के टायर यहाँ पे आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। फ्रंट के अंदर आपको ड्रम ब्रेक है और रियर के अंदर भी आपको ड्रम ब्रेक के साथ आपको गाड़ी आती है। इसके अलावा बात करूँ इसके सस्पेंशन की, तो फ्रंट के अंदर आपको सेमी इलिप्टिकल मल्टी स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन दिया जाता है, जो कि बेवलर टाइप का और रबर एंडेड सस्पेंशन यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाले। इसके साथ दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे आपको शॉक अब्जर्वर मिल जाता है और साथ ही साथ देख सकते हो कंप्लीट लुक यहाँ पे आपको चेकआउट कर सकते हो। इसके जस्ट पीछे की साइड आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको 24 लीटर का एडब्ल्यू टैंक यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड पीछे की साइड जो टायर है उसके पीछे की साइड इसको रखा गया और इसके अलावा यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो डीजल फिल्टर जाता है जो कि फीड पंप के साथ आता है और इसके अलावा मेटल की बनी हुई यहाँ पे आपको डीजल टैंक यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसके अंदर दो कैपेसिटी के अंदर आता है। एक आपका 180 लीटर के अंदर आता है, दूसरा यहाँ पे आपको 240 लीटर की कैपेसिटी के साथ आपको मिलने वाला है। इसकी जो कैपेसिटी लगभग 240 लीटर के आसपास मिलने वाली है और 24 लीटर का एडब्ल्यू टैंक यहाँ पे आपको उसके अंदर दिया जाता है। इसके साथ पीछे के साथ आते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे जो गाड़ी है एयर सस्पेंशन वाली गाड़ी है, इसके अंदर आपको जो रियर के अंदर यहाँ पे आपको एयर सस्पेंशन मिल जाता है और फ्रंट के अंदर यहाँ पे आपको कबाने वाला सस्पेंशन यहाँ पे आपको उसके अंदर दिया जाता है। यहाँ पे आपको रियर के साइड में 4 एयर सस्पेंशन एयर के बैलून मिल जाते हैं, जो कि आप कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे 2 इधर साइड मिल जाते हैं और 2 उधर की साइड मिल जाते हैं। इसके बीच के अंदर देखोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको जो वी रोड मिल जाती है, इसका जो आपका जो गाड़ी का जो झोल मारने के जो चांसेस रहते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, इससे जो गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रह जाती है। अंदर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 एयर के टैंक यहाँ के मिल जाते हैं और जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो भी आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपका इसका प्रोपेलर शाफ्ट देख सकते हो और काफ़ी लंबी प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है और स्टेपनी की जो माउंटिंग है वो यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड इसको रखा गया। अगर आप कोई बॉडी वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट वगैरह करवा सकते हैं। इसके साथ पीछे की साइड चलते हैं तो पीछे के साथ लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है और पीछे का जो डिफरेंशियल है वो आप इसमें देख सकते हैं, कंप्लीट लुक चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से आपको दिखने वाली है। बड़े आपको एयर ब्रेक के चैम्बर वगैरह मिल जाते हैं, ब्रीदर पाइप वगैरह आपको दी जाती है और यहाँ पे जो बैलून वगैरह है उनको हाइट सेट करने के लिए यहाँ पे आपको ये आपका वॉल वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेवलिंग वॉल वगैरह दिया जाता है, मतलब आपकी गाड़ी का हाइट वगैरह सेट करना हो तो वो भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। पीछे की साइड आते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको जो स्टॉपर ने मिल जाते हैं और टेल लैंप्स के, तो यहाँ पे एलईडी टाइप के टेल लैंप्स यहाँ पे आपको सुंदर मिल जाते हैं और साथ दिखने में काफ़ी सुंदर है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपको लगभग 4 या 5 के आसपास में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, जिससे कि गाड़ी को रिवर्स करना काफ़ी ईजी रहता है। व्हील्स इंडिया एयर सस्पेंशन के यहाँ पे आपको बैलून सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसे आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आगे साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको बैटरी का सेटअप मिल जाता है, 24 वोल्टेज की बैटरी के साथ आती है और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इसको माउंट किया हुआ है और यहाँ पे आपका जो बैटरी कट ऑफ स्विच मिल जाता है, कॉन्टैक्टर मिल जाता है, फ्यूज बॉक्स वगैरह यहाँ पे आपको अंदर दिए जाते हैं। अंदर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको जो टैंक्स वगैरह टोटल यहाँ पे 5 एयर के टैंक मिलने वाले हैं, मतलब गाड़ी एयर ब्रेक के साथ आती है और ब्रेक सिस्टम यहाँ पर ड्यूल एयरलाइन ब्रेक सिस्टम यहाँ पे आपको उस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। कंप्लीट लुक चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसके इंजन की, इसके अंदर आपका एस सीरीज़ का 6 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है आपका 2400 आरपीएम के ऊपर और 700 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा बात करें इसके क्लच प्लेट की, तो यहाँ पे आपको 380 एमएम डायमीटर वाली क्लच प्लेट आती है और इसमें जो गियरबॉक्स है ZF का जो गियरबॉक्स है आपका 6 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स के साथ आपको मिलने वाला है। इसके साथ देख सकते हैं कंप्लीट लुक आप चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको जो केबल शिफ्ट ऑपरेटर गियरबॉक्स आपको मिल जाता है और नीचे की साइड से देखें तो यहाँ पे आपको जो गियरबॉक्स है इसको अच्छे से इसको कवर किया गया। नॉर्मली आप लोगों ने देखा जो आगे इंजन की साइड से जो कवर लगाते हैं पीछे का, लेकिन यहाँ पे आपको अशोक लीलैंड इसको गियर के नीचे की साइड यहाँ पे आपको कवर वगैरह लगा के दे रही है और इसके अलावा सस्पेंशन वगैरह आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट लुक आप दे सकते हैं इंजन का, आप कंप्लीट लुक चेकआउट कर सकते हैं। ये जो इंजन है आप देख सकते हैं SCR ओरिजिनल दोनों के साथ आता है और यहाँ पे क्या है कि जो यूरिया का जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम रहता है अदर गाड़ी के अलावा। और यहाँ पे आपका जो एयर कंटेक्ट देख सकते हैं, एयर फिल्टर की असेंबली, आपका जो एयर कूलर
रेडिएटर की असेंबली देख सकते हैं और एयर के इनटेक के पाइप्स हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम की बात करूँ तो ऐसे जो कॉमन रेल सिस्टम के साथ आपको ये मिलने वाला है। यहाँ पे जो पंप वगैरह वो भी आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके ऊपर की साइड, चलते हैं दोस्तों इसके ऊपर की साइड। ऊपर की साइड से देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपको ABC के पेडल्स वगैरह आपको नजर आने वाले। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की असेंबली यहाँ पे आपको मिल जाती है। और अब बात करूँ इसकी सीट की तो यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली। इसको आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो और रिक्लाइन डिक्लाइन भी कर सकते हो। इन बिल्ड यहाँ पे आपको हेडरेस्ट यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाला है। से देखोगे तो कुछ इस तरह की आपको नजर आने वाली है ये जो गाड़ी। इसके अंदर आपको फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, लीलैंड का लोगो मिल जाता है। और इधर की साइड देखो यहाँ पे आपको जो वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इंजन ब्रेक का सिस्टम मिल जाता है। और इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाले। बात करूँ इसकी क्लस्टर मीटर की तो कुछ इस तरह का क्लस्टर मीटर आपको नजर आने वाला है, जहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है, टूल मीटर, गाड़ी के अंदर कितना AWD, कितना ब्रेक है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है और साथ में आपका जो एवरेज वगैरह है AWD का लेवल, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाती है। इसके अलावा गाड़ी के RPM कितने हैं और साथ में गाड़ी का कितना टेम्परेचर है। बीच के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको अशोक लेलैंड का लोगो मिल जाता है। इधर की साइड देखो तो काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हजार लैंप स्विच है, रिजनेशन के स्विच मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे स्विचेज आपको मिल जाते हैं। OBD को अगर स्कैन टूल करना हो तो यहाँ पे आपका इसका ऑप्शन दिया जाता है। और इधर की साइड से देखोगे दोस्तों कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड ही आपके अंदर नजर आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेबल ग्लोब, जो लोकेबल यहाँ पे आपका जो इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कवर दिया जाता है, जिससे आपको कूलेंट वगैरह चेक करना हो वो आप आसानी से कर सकते हो। पीछे की साइड से आपको फिर से लुक दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की आपको नजर आने वाली गाड़ी। कंप्लीट लुक आप चेकआउट कर सकते हो। और बात करें इसके गियर बॉक्स की तो यहाँ पे आपको 6 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स के साथ आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। कंप्लीट लुक देख सकते हो दोस्तों। अब तो दोस्तों अब इस इंजन का साउंड आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरह का रहने वाला है। आप इंजन साउंड चेक करवा के दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। पहले आपको देख सकते हो नॉर्मल RPM के ऊपर आपका किस तरह का साउंड रहता है, आप आसानी से चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। भाई एक बार एक्सेलेटर देना एक बार। हाई RPM पे आप ही साउंड चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस तरह का मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने इस गाड़ी से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन में बताने की कोशिश करी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।